देखिए, हम जब देश की बात करते हैं तो उनको सांप्रदायिक नज़र आते हैं, ये उनको सहूलियत है, लेकिन सब जानते हैं कि इस देश में वंशवाद, जातिवाद, इस तरीके की बातें किसने की और किसने राजनीति की। ये मसला, ये मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान दुर्भाग्यपूर्ण था। ये किसी संप्रदाय का, जातियों का झगड़ा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि पूरा गांव जाति विशेष के बाहुल्य के बाद भी उस पुजारी परिवार के साथ उनकी संपत्ति थी। सरकार अपनी नाकामी को ढकने के लिए, अपनी प्रशासनिक अकर्मण्यता को ढकने के लिए, क्योंकि पंडित बाबूलाल वैष्णव का इस तरीके से अग्निदहन होना, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। ये तो राजस्थान शांत प्रदेश है और बहुत सारी चीज़ों को, ऐसी आग को भी सहन कर लेता है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास इसका जवाब नहीं था। मुख्यमंत्री के पास इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त होने से बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है, और उसी का नतीजा है कि जब अपराधी किसी शहर के, गांव के बेलगाम हो जाएं, बेखौफ हो जाएं, तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि कोई भी दबंग व्यक्ति किसी निर्बल व्यक्ति का इस तरीके से उसको प्रताड़ित भी करता है और उसके खिलाफ किसी न किस्म का अपराध भी करता है, और ऐसे अपराधों को रोकने में अशोक गहलोत की सरकार नाकाम रही है। और इसी तरीके से, इसलिए बयान दे के उन्होंने, मुझे लगता है कि अपराध को रोकने के बजाय दूसरा बड़ा पाप किया इस तरीके का बयान देकर।